हेलो दोस्तों, 2020 में भारत में बिकने वाला टॉप सेलिंग बाइक में से मैं आज आपको यहाँ पे पांच बाइक्स स्कूटी के बारे में बताऊंगा। ये बाइक्स भी है और स्कूटी भी है, चाहो तो आप भी ले सकते हो। इसका कीमत भी बहुत कम है और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इस लिस्ट में टॉप 5 पर आता है यामा फसिनो 125 BS6। इस गाड़ी की माइलेज आपको लोकल एरिया में 40 से 50 किलोमीटर दे देगा और हाई रोड में 60 से 66 किलोमीटर प्रति लीटर आपको ये गाड़ी माइलेज दे सकता है। इस गाड़ी में एयर कूल कूलिंग सिस्टम दिया गया है, फ्यूल सप्लाई होगा फ्यूल इंजेक्शन से। इस गाड़ी की मैक्स पावर है 8.2 PS एंड 6500 RPM। मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.7 Nm एंड 5000 RPM। और अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, ये गाड़ी टोटल 4 वेरिएंट में मार्केट में आता है। नंबर 1 पे आता है यामा फसिनो 125 ड्रम BS6, जिसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है दिल्ली में 67,230 रुपया। RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 81,431 रुपया। दूसरे नंबर पर आता है डिलक्स ड्रम BS6, इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है दिल्ली में 68,230 रुपया। इंश्योरेंस और RTO का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा दिल्ली में 82,535 रुपया। तीसरे नंबर पर आता है डिस BS6, इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 69,730 रुपया। RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 84,188 रुपया। चौथे नंबर पर आता है डिलक्स डिस BS6, इसका एक शोरूम प्राइस है 70,730 रुपया। RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 85,290 रुपया। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है यामा रेंज ZR 125 BS6। यामा रेंज ZR 125 BS6 का माइलेज है 40 से 50 किलोमीटर आपको लोकल रोड में दे सकता है और हाई रोड में आपको 50 से 55 किलोमीटर ये गाड़ी माइलेज दे सकता है। इस गाड़ी में फ्यूल सप्लाई फ्यूल इंजेक्शन से होगा, कूलिंग सिस्टम एयर कूल दिया गया है। मैक्स पावर की बात करें तो 8.2 PS 6500 RPM। मैक्स टॉर्क जो इस गाड़ी से प्रोड्यूस करते हुए 9.7 Nm 5000 RPM। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी टोटल 3 वेरिएंट में मार्केट में आता है। यामा रेंज ZR 125 BS6 ड्रम वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 67,530 रुपया और इंश्योरेंस और RTO का खर्चा मिला के दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 81,762 रुपया। और इसी का डिस वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 70,530 रुपया, RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा दिल्ली में 85,071 रुपया। और एक वेरिएंट आता है स्ट्रीट रैली, इसका एक शोरूम प्राइस है 71,530 रुपया, RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा दिल्ली में 86,172 रुपया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है होंडा एक्टिवा 6G BS6। इस गाड़ी को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये गाड़ी आपको माइलेज दे सकते हैं लोकल रोड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर और हाई रोड में 50 से 57 किलोमीटर प्रति लीटर आपको ये गाड़ी माइलेज दे सकता है। इस गाड़ी की फ्यूल सप्लाई फ्यूल इंजेक्शन से होगा और कूलिंग सिस्टम एयरकूल दिया गया है। इस गाड़ी की मैक्स पावर है 7.79 PS एंड 8000 RPM। इस गाड़ी का मैक्स टॉर्क है 8.79 Nm और 5250 RPM। अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी टोटल 2 वेरिएंट में आता है। होंडा एक्टिवा 6G BS6 स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट, इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 65,419 रुपया, RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 76,482 रुपया। और एक वेरिएंट आता है जो डिलक्स वाला वेरिएंट, इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 66,919 रुपया और इसका RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 78,134 रुपया। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है होंडा एक्टिवा 125 BS6। इस गाड़ी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में 2020 में बहुत ज़्यादा बिका, बहुत ही ज़्यादा बिका। तो इस गाड़ी की माइलेज है आपको लोकल रोड में 45 से 55 किलोमीटर ये गाड़ी माइलेज दे सकता है और हाई रोड में 55 से 60 किलोमीटर आपको ये गाड़ी माइलेज दे सकता है। इसका फ्यूल सप्लाई होगा फ्यूल इंजेक्शन से, इसमें भी कूलिंग सिस्टम एयर कूल लगाया गया है। इस गाड़ी का जो मैक्स पावर है वो 8.29 PS 6500 RPM और इस गाड़ी से जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो है 10.3 Nm एंड 5000 RPM। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी टोटल 3 वेरिएंट में मार्केट में आता है। होंडा एक्टिवा 125 BS6 ड्रम वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 68,997 रुपया और इंश्योरेंस और RTO का खर्चा मिला के इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 80,422 रुपया। और यहाँ पे ड्रम एलोए वाला वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 72,497 रुपया, इंश्योरेंस और RTO का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 84,276 रुपया। और डिस वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 75,997 रुपया, RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा दिल्ली में 88,131 रुपया। और इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है वो है TPS Ntorq 125 BS6। इस गाड़ी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि जब से ये गाड़ी BS6 में कन्वर्ट हुआ है 2020 में, तब से ये गाड़ी इस गाड़ी की बिकना तकरीबन डबल हो गया। जैसे BS4 बिक रहा था उससे कहीं डबल ये गाड़ी बिकना शुरू हो गया था।
दोस्तों ये गाड़ी आपको माइलेज दे सकते हैं 45 से 50 किलोमीटर आपको लोकल रोड में माइलेज दे देगा, और हाई रोड में आपको ये 50 से 58 किलोमीटर तक ये गाड़ी आपको माइलेज दे सकता है। ये BS6 गाड़ी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका फ्यूल सप्लाई होगा फ्यूल इंजेक्शन से, और इसका कूलिंग सिस्टम भी एयर कूल दिया गया है। इस गाड़ी का मैक्स पावर है 9.38 PS एंड 7000 RPM, और इस गाड़ी का मैक्स टॉर्क जो प्रोड्यूस करते हुए 10.5 Nm एंड 5500 RPM। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये गाड़ी फिलहाल 3 वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल है BS6 के साथ। तो नंबर 1 पे आता है ड्रम BS6, इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 66,885 रुपया, RTO का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा दिल्ली में 80,358 रुपया। और दूसरे नंबर पर जो वेरिएंट आता है वो है BS6 वाला वेरिएंट, इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है 70,885 रुपया, इंश्योरेंस और RTO का खर्चा मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 84,740 रुपया। और तीसरे नंबर पर जो वेरिएंट आता है वो है रेस एडिशन BS6, इसकी ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा बिकता है, अभी भी बिक रहा है ये गाड़ी। तो रेस एडिशन BS6 का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 73,365 रुपया, और RTO और इंश्योरेंस का खर्चा मिला के इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 87,456 रुपया। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा, इन पांचों में से आपको कौन सा गाड़ी सबसे बेहतर लगता है, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो कौन सा गाड़ी खरीदना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर लिखें। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो नीचे जाकर कमेंट करो। फिलहाल वीडियो में इतनी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।